ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 90 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟਾਰ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੰਡ ਇਹ ਮਾਰਗ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਡੰਡ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ पहले पातशाह गुरु नानक देव जी ने सिखी मार्ग ते चलन ले सिर पेट करने दी शर्त रखी सी। दंड इसे ली ते तुरदया गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 विच खालसे दी साजना की थी। दंड खालसा एक आदर्शक संपूर्ण अते सुतंत्र मनुख है जिसनु गुरबाणी विच सच्यार गुरमुख अते ब्रह्म ज्ञानी कहा गया है। डंड गुरु जी दे किला खाली करके जान ते दुश्मना ने सारिया कसमा तोड़ के उन्ना दा पिछा करना शुरू कर दिता। डंड सरसा नदी दे नेड़े पहुंच दिया गह गच लड़ाई होई जिस दौरान गुरु जी दे दो छोटे साहिब जादे ते माता गुजरी जी वहीर तो वख हो गए। डंड गुरु जी ने एक दिन रोपड़ दे कोल निहंग खान दी गड़ी विच बिताया। दंड रात नू अगे चल पे पर दुश्मन दिया फौजा ने भी पिछा करना शुरू कर दिता। दंड गुरु जी ने चमकौर दी गड़ी विच दाखिल होके मोर्चा बंदी कर ली। दंड गुरु जी दे नाल दो वड्डे साहिब जाद्या ते पंज प्यारे समेत 40 को सिख सन। डंड दुश्मना दी 10 लख दी फौज ने गड़ी नू घेरा पा लिया। सारा दिन लड़ाई हुंदी रही। डंड शाम तक गुरु जी को सारा गोली सिक्का खत्म हो गया। डंड हुण सिंघा ने गड़ी तो बाहर आके लड़ना शुरू कर दिता। डंडे हांजी पैरा हांजी स्टार सिखा सिंघा दे नाल गुरु जी दे दोवे साहिबजादे गुरु जी दे सामने लड़दे शहीद हो गए। डंडे बाबा अजीत सिंह ने अजे जवानी विच पैर रख्या ही सी। डंड बाबा जुझार सिंह ता अजे किशोर अवस्था विच सन। डंड करबला दे मैदान विच हसन हुसैन दी शहीदी तो इलावा दुनिया दे इतिहास विच इस तरह दी कोई होर मिसाल नहीं मिलदी जिथे एक पिता ने अपने पुत्रा नू लड़ाई विच शहीद होण लई भेजा होवे। डंड करबला दी जंग अते चमकौर दी जंग विच एक वड्डा अंतर सी। डंड करबला दी जंग विच दोवें फौजा बराबर दियां सन। डंड इस दे मुकाबले ते चमकौर दी जंग दुनिया दी सब तो असामी जंग सी। डंड इस तरह दी असामी जंग दियां मिसालां सिख इतिहास विच तां कुछ होर भी मिलदियां हन पर बाकी कौमां दे इतिहास विच शायद नहीं दे बराबर हन। डंड इस जंग दा जिक्र करदिया गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखिया है कि भुखे भाणे 40 आदमी की कर सकते हैं। काजी अते शेर खान ने इसे तरह दे रवैये नू देखदे होए वजीर खान दे मन विच नरमी आउण लगी सी, पर दीवान सुचा नंद ए नहीं सी चाहुंदा के साहिब जात्या नू छड्या जावे। डंड इतिहासिक हवाले अनुसार उसने एक शैतान वांग साहिब जाद्या नू कुछ अजेहे प्रश्न कीते जिन्हां दे उत्तर तो उन्हां नू बागी सिद्ध कीता। डंड
उसने वजीर खान नू भी उकसाया कि इन्हां बच्चों नू छड़ना सियान नहीं होवेगी डंडी हंजटाओ।